और अफगानिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। जी हाँ, पहली दफा जश्न का इंतजाम करो। हम करते हैं प्रबंध। जश्न हो अब को ये जो टीम चल रही है पाकिस्तान की, इनके हाथ में छुरियां होनी चाहिए। क्यों? ये इस पे बकरे करें बस। ये पाकिस्तानी कौम कितनी दोगली है आज मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो ये बोलते हैं अफगानिस्तान हमारा ब्रदर मुल्क है, हलवा पकाओ, मुस्लिम उम्मा है हम भाई भाई हैं। लेकिन जैसे ही अफगानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा है, इन पाकिस्तानियों के तन बदन में आग लग रही है। ये इतने जल रहे हैं कि पूछो मत। वो देखो वो डांस कर रहा है इंडिया वालों के साथ मिलके। ये हमारी हैसियत रह गई है। उधर तालिबान को देखो, तीसरे दिन हमारे जवानों को बॉर्डर पे हमला कर देते। लेकिन वो जिस तरह खुशी मना रहे ना, इस टाइम पे पता नहीं बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, पाकिस्तान की टीम लैग कर रही है। अब बोलना चाहिए, मतलब यही तो टाइम है बोलने का। हम इतना पीछे चले गए कि अफगानिस्तान से ऐसा लग रहा है कि हमें ऐसी क्रिकेट खेलनी चाहिए। और नहीं तो क्या? अफगान थे जिनको पाकिस्तान गाली देते रहे कि अफगान नमक हराम है। और एक बात और बता दूं, जो लाहौरी चूरन है पंजाबी, लाहौरी पंजाबी, ये अफगानियों से इतनी नफरत करते हैं पूछो मत, अंदर ही अंदर सड़ते रहते हैं। अफगान को हमने क्रिकेट सिखाई, अफगान के बच्चों को हम क्रिकेट सिखा रहे हैं। आज अफगानिस्तान टीम सेमीफाइनल में पहुँच चुकी है। दो ब्लू भाई सेमीफाइनल में। और जो कप्तानी की है राशिद खान ने, एक बार फिर से मैं कहता हूँ कमाल किया है उसने। हमारे बाबर आजम से तो जबरदस्त कप्तानी जो है वो राशिद खान ने की है। ये वो लड़के हैं यार अली, जिन्होंने रेफ्यूजी कैंपों में क्रिकेट शुरू करी है। इनको अपने घर को तरसे हैं यार ये लोग। दूसरी जगहों में इन्होंने अपने घर बनाया, वहाँ जाके क्रिकेट खेले। आस्तीनों के सांप है ये, आस्तीनों के सांप है। इनको हमने पाल पोस के अपनी आस्तीनों में रखा हुआ है काटने के लिए। ये लाहौरी पठानों से इतनी नफरत करते हैं पूछो मत, और उल्टा पठान भी इनसे कोई प्यार नहीं करते। अफगानी भाई भी इनको जम के नफरत करते हैं। एशिया में अब दो ही टीम है, इंडिया और अफगानिस्तान। पाकिस्तान को एलिमिनेट करो, बांग्लादेश को एलिमिनेट करो, और उसके बाद श्रीलंका, इनको एलिमिनेट कर दो। इनकी जो कामयाबी की वजह है ना, वो जज्बा है, विल है। एक ओके बस करना है, कोई आउट हो उस पे जो सेलिब्रेशन करते हैं। अब ये शाहीन अफरीदी के लिए है, अब ये इफ्तिखार के लिए। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। जो पाकिस्तानी पश्तून है वो पाकिस्तानियों को पसंद नहीं करते, और पाकिस्तानी भी जो पाकिस्तानी पश्तून है उनके ही सगे नहीं है, उनसे भी नफरत करते हैं, जबकि वो पाकिस्तानी ही है, उनकी नेशनलिटी पाकिस्तानी है। इतनी दोगली कौम है कि पूछो मत। और वो तो याद ही होगा कैसे अफगानियों को खदेड़ कर बाहर निकाल दिया था इन्होंने। हाँ भाई हाँ। तो ये नल्ला छपरी भिखारी पाकिस्तान तो पहले ही बाहर हो गया था, और हम और अफगानी भाई पहुंच गए हैं सेमीफाइनल में। इस पर इन पाकिस्तानियों की राय देखते हैं, ये क्या कर रहे हैं। बाबर आजम को क्या कहेंगे, अपनी टीम को क्या कहेंगे? बाबर आजम बेचारे का तो इतना कसूर नहीं है, बाकी प्लेयर भी है। लेकिन ये हम चाहते हैं उसको जूती पहनाए। कौन सी वाली जूती पहनाएंगे? मैं तो कहता हूँ ये चाचा को पहना रहे थे इफ्तिखार को। हाँ जी, अब ये शाहीन अफरीदी के लिए है, अब ये इफ्तिखार के लिए, क्योंकि इसका काबिल है। क्या बेड़ा कर गया, इतना पैसे लगा के पाकिस्तान का नाम बदनाम, मुश्किल है ये। तो ये सारी जूतियाँ उनको गिफ्ट कर रहे हैं आप? मैं उसको गिफ्ट करता हूँ पहन के, शायद अच्छी बॉलिंग बैटिंग हो जाए लड़कियों वाली जूतियाँ पहन के। नहीं, ये लड़की वाला शाहीन अफरीदी पहनेगा तो उसका बॉलिंग में थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस आ जाएगा। अब ये पखर के लिए, पखर भी अच्छा खेले। ये होती है क्रिकेट जमा लगा, तुमको नहीं पता हम कितना खुश है। ये होता है क्रिकेट, हमारे पाकिस्तानी को तो क्या खेलना आता है। हम इसीलिए खुश है कि अफगानिस्तान ने आज बांग्लादेश को 115, तुम्हारे पाकिस्तान ने कभी बचाया नहीं बचाया, आज अफगानिस्तान जीत गया। आज बड़ा मजा आया भाई, जिसे नवीनुल हक ने आज बॉलिंग किया, कमाल कर दिया। राशिद खान की बात करें भाई, चार प्लेयर आउट किए, बड़ी बेहतरीन बॉलिंग देखने को मिली है, दिल खुश हो गया भाई।
अफगानिस्तान जश्न मना रहे थे, जश्न अफगानिस्तान वहां पर बन रहा था वेस्ट इंडीज के अंदर, लेकिन काबुल के अंदर वादे शुरू हुई है जहां पर 10 लाख बंदा कह रहे बाहर निकला अफगानिस्तान ने, मतलब पूरे अफगानिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है, इधर इंडिया में भी मनाया जा रहा है, पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है, पठान यहाँ पर आगे अफगानी सारे नाच रहे थे, अफगानिस्तान क्वालिफाई करके सेमीफाइनल के अंदर यार ऑस्ट्रेलिया को हराया, ऑस्ट्रेलिया को बाहर निकाला, ऑस्ट्रेलिया का बड़ा घर कर दिया आज अफगानिस्तान ने, बांग्लादेश ने कोशिश की कि ऑस्ट्रेलिया को लेके जाएंगे, मिचेल मार्श ने कहा था हम लोग बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे, जैसे मर्जी सपोर्ट कर ले, आज तो बांग्लादेश भी बाहर, ऑस्ट्रेलिया भी बाहर, यार अफगानिस्तान ने बता दिया सारी टीमों से लड़ के मर के जीत के फिर जाके उसने सेमीफाइनल के अंदर क्वालिफाई किया। ये टीम जो है फुल की फुल चेंज होनी चाहिए, जो यंग लड़के हैं नए बच्चे हैं उनको मौका मिलना चाहिए, अब को ये जो टीम चल रही है पाकिस्तान की इनके हाथ में छुरियां होनी चाहिए, ये इस पे बकरे करें बस, ये बैंड कह रहा है पेंचर लगवा दो, कोई कहता है इनसे सीमा टूटवा दो, वो करे ना जिससे पाकिस्तान का नाम रोशन हो। हाँ। अब इंडिया से 8 स्कोरों से आ रहे हैं, ये बात है, टिप टिप टिप, इनका मकसद ही टिप है, चौका छक्का इनके नसीबों में नहीं है। जब अफगान क्रिकेट पे बात करे कितनी बड़ी टीम बन चुकी है, वो फाइनल लेके जाएगी अफगानिस्तान। हाँ जी इंशाल्लाह, इतनी बेहतर सर, अगर अफगानिस्तान का फाइनल इंडिया के साथ जाता तो इंडिया तो फिर बहुत एक्सपीरियंस, काम भी तो अब चेक करें ना, अब अफगानिस्तान में कोई मांग रहा है ना वो उसको पकड़ लेते हैं, घर में राशन डाल के देते हैं, महीने का खर्चा देते हैं, कि मांगना नहीं, मांगना नहीं है, अच्छा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ये फर्क है, पाकिस्तान मांग रहा है, मांग ही अफगानिस्तान मांगने वालों की आदत छुड़ा, घर राशन दे के आता है, अगर दोबारा मिल जाए फिर उसको बंद करता है वो, सजा देता है कि भाई आपको हर चीज मिल रही है फिर ऐसा क्यों करते, मतलब उन्होंने बताया, उन्होंने दावे नहीं किया कि नंबर वन बॉलिंग है, लेकिन नंबर वन बॉलिंग साबित की है, उन्होंने कहा हमारे पास किंग आमर है, हमारे पास लंगड़ा शहीन है, क्या है भाई, राशिद ने परफॉर्म किया, नवीन ने परफॉर्म किया, उन लड़कों ने बताया जो आईपीएल से सीखा है वो इंप्लीमेंट किया, उन्होंने दावे नहीं किया नंबर वन बॉलिंग का, उन्होंने साबित किया है, मतलब राशिद खान ने ये नहीं बोला मैं नंबर वन बॉलिंग हूं, आपका आमिर आपका शहीन सारे कहते हैं नंबर वन टीम नंबर वन बॉलिंग, भाई किस चीज की 159 आउट डिफेंड नहीं कर सके, उन्होंने किया 115 रन डिफेंड, ऑस्ट्रेलिया को 127 पे ऑल आउट किया, दुनिया को बताया कि यार अगर कोई टीम अब दोबारा बन के आ रही है तो अफगानिस्तान आ रही है, एशिया में अब दो ही टीम है इंडिया और अफगानिस्तान, पाकिस्तान को एलिमिनेट करो, बांग्लादेश को एलिमिनेट करो और उसके बाद श्रीलंका, इनको एलिमिनेट कर दो, ये अब खेलने के नाकाबिल रही है, अगर अफगानिस्तान ने हमें आईना दिखा दिया ना। हाँ हाँ बिल्कुल, वो जो है वो ना लेते हैं ना वो रिश्वत लेते हैं, वो काम ईमानदारी से करते हैं, ये सिर्फ खुराक मांगते है, बोलते है हमारा कोठी बनाओ, हमारा फलान बनाओ, हमारे ये बिल्डिंग नहीं है, हमारा जो है ये फलाना नंबर का गाड़ी नहीं है, इस कंपनी का गाड़ी मिले तो फिर हम बहुत काम करेंगे, ये इसीलिए तो नाकाम है, ये रिश्वत जो है ये हमारे मुल्क से ख़त्म होना चाहिए। अफगानिस्तान का मैच नहीं था, सीधा सीधा ऑस्ट्रेलिया बाहर होना था, आज छोटे भाई ने फिर एक मतलब बड़े भाई के लिए रास्ता क्लियर कर दिया, जो ऑस्ट्रेलिया की इतनी सी उम्मीद थी ना उन्होंने ख़त्म करके रख दिया, ऑस्ट्रेलिया को आज यूँ समझ लिया बैटिंग अफगानिस्तान वैसे बांग्लादेश हो रही थी और बैक पैक हो रहे थे ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया अब घर पहुंच चुका है, ऑफिशियली घर पहुंच चुका है, अफगानियों ने भाई लोहा मनवाया, ब्रायन लारा ने स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कहा प्रिडिक्ट किया था कि अफगानिस्तान जो है फाइनल सेमीफाइनल तक जाएगा, लोगों ने कहा था कि ये पागल हो गया बूढ़ा हो गया ब्रायन लारा ये क्या कह रहा है, अफगानिस्तान भाई चुप लगवा दिया अफगानी लड़कों ने, भाई राशिद खान ने आज कैप्टेंसी वाली बॉलिंग की, लास्ट वाले मैच में रोहित शर्मा ने कैप्टेंसी वाली बैटिंग की थी, रोहित शर्मा को फॉलो करने वाले कैप्टन राशिद खान ने कैप्टेंसी वाली बॉलिंग की, 4 विकेटें वो बंदा लेके गया, उसी वक्त मैच की काया पलट गई, बांग्लादेश की टीम टूट गई, 115 रन का टारगेट क्या टारगेट है उसको रोक के दिखाया अफगानी बॉलिंग ने, 105 रन पे पूरी बांग्लादेश की टीम को बुक करके रख दिया, हालांकि बीच में बारिश डिस्टर्ब करती रही है, शर्मा टूटता रहा है वो बांग्लादेश के हक में थी, लेकिन अफगानी ने कहा भाई नहीं आज हमारा दिन है हमने करके दिखाना अफगानिस्तान, यार मैं कहता हूँ डनके की चोट पे जो है वो पहुंचे सेमीफाइनल, लोग कहते हैं ये अपसेट है, भाई दिस इज नॉट अपसेट, दिस इज अफगानिस्तान, उन्होंने भाई दिखाया है अपना जलवा, दिखाया उन्होंने अपना लोहा मनवाया, भाई मैं तो कहता हूँ यार अफगानी डिजर्व करते थे, जदरान गुरबाज मैं कहता हूँ एक से एक बढ़ के बोलेंगे में राशिद नवीन लाग यार मैं कहता हूँ छा गए हैं यार वो छा गए यार, जिस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है हमें वेस्ट इंडीज की याद आ जाती है, पूरा अफगानिस्तान नाच रहा है यार जश्न मनाया जा रहा है, उनका नाचना बनता है यार, आपको पता है आपकी टीम जो आपकी नेशन को रिप्रेजेंट करे वो इतने बड़े लेवल पे, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम हो, न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीम हो, पाकिस्तान जैसी बड़ी छोटी मोटी टीमें रगड़ी गई, वहाँ पे अफगानिस्तान ले गए सेमीफाइनल में, हम तो भाई इतना खुश हो सकते हैं कि हमारे एक पड़ोस किधर की एक उधर की, हमारे पड़ोसी जो है वो पहुंच चुके हैं, ट्रॉफी कम से कम एशिया में आएगी, ट्रॉफी की खुशबू तो हम तक पहुंचेगी ना, हम इस बात से खुश हैं। अफगानिस्तान ट्रॉफी उठाता हुआ नजर आ रहा है आपको? यार अभी तो नहीं क्योंकि अभी बड़ा भाई खड़ा हुआ है,
अफगानी अगर फाइनल में पहुंच गए तो वो आराम से ट्रॉफी जो इंडिया के हाथ में दे देंगे। तो ये था आज का वीडियो और अब पाकिस्तानियों के पास एक ही काम रह गया है कि ये निजाम ऐसा होता तो हम यहाँ पहुंच जाते, ऐसा होता तो हम ऐसा कर देते, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। तो ये था आज का वीडियो, आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो यो किट्टू भाई। यो यो किट्टू भाई।